तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं बांग्लादेश टी20 लीग का आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 18वां मैच, जो कि खेला जाएगा चट्टोग्राम चैलेंजर्स वर्सेस कोमिला विक्टोरियंस के बीच में। तो भाई दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ ही साथ भाई एक डेमो टीम आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन भाई जो फाइनल टीम है वो भाई मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके भाई अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। दो काम आपको सबसे पहले कर लेने हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो भाई वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ भाई सबसे जरूरी काम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके भाई ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो फाइनल टीम है वो भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो तीसरा काम आपके लिए जरूरी यह है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके भाई ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ भाई ये जो नीचे पांच एप्लीकेशन के लिंक मैंने दे रखे, इनमें से भाई डेली आपको किसी भी एक एप्लीकेशन पर 10,000 रुपए का गिव अवे देखने को मिलने वाला है लगातार। तो भाई डेली अगर आपको 10,000 विन करने का फ्री में चांस चाहिए तो भाई ये पांचों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। रेफर कोड आपको दिख रहा होगा कार्तिक पीएम गिव अवे, उसी को शो होगा, उसी को मतलब अगर आपने मान लो रजिस्ट्रेशन कर लिया और रेफर कोड नहीं डाला तो भाई आपको गिव अवे शो नहीं होगा। तो फिर उसमें आप बाद में मेरे को मत बोलना कि भाई आपने गिव अवे का बोला था फिर भाई आपने हमें गिव अवे नहीं दिया। इनमें से पांचों में से किसी भी एप्लीकेशन पर 10,000 रुपए का गिव अवे आपके लिए आने वाला है। आज का गिव अवे भाई दो एप्लीकेशन पर आ रहा है, 10,000 रुपए का गिव अवे आ रहा है पीएसएल के मैच में माई फैब 11 पर, 10,000 रुपए का गिव अवे आ रहा है भाई विजन 11 पर कबड्डी के मैच में, ठीक है। तो दोनों गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो गिव अवे की डिटेल्स है वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस रही है, साथ ही साथ मतलब पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कहाँ पर विराजमान है, सारी चीजें एक बार देखनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कोमिला विक्टोरियंस की बात तो देख सकते हो भाई यहां पर चार मैच में से तीन मैच विन कर रखे, एक मैच लॉस कर रखा है, यहां पर भाई टोटल 6 पॉइंट है, बेहतरीन प्रदर्शन टीम का अभी चल रहा है, ठीक है। वहीं अगर बात करें चट्टोग्राम चैलेंजर्स की तो नंबर चार पर है, 7 में से 3 जीते, 4 आ रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो टोटल 6 पॉइंट है, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं कौन सी टीम की। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा, देखो जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है ना थोड़ी सी वो चेकआउट करनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये मैच अभी चल रहा है, अभी तक भाई हमारे लिए बेहतरीन मैच जा रहा है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं लास्ट मैच की चट्टोग्राम चैलेंजर्स की। तो चट्टोग्राम चैलेंजर्स की टीम अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, ठीक है। किससे हार के आ रहे भाई, यहाँ पर हार के आ रहे भाई फॉर्चून बार्सल से। इस मैच में भाई पता ही नहीं क्या क्या हुआ, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, पहले बॉलिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेंगे विल जैक्स कंप्लीट 4 ओवर डालते हुए इस टूर्नामेंट, मतलब अब से पहले इसने टूर्नामेंट में 1 ओवर नहीं डाला था भाई, 1 ओवर, ठीक है। और भाई बंदे ने यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि पूरे अपने 4 ओवर डाले और विकेट भी ले गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उसके बाद आफिफ हुसैन, मैं बोल के थक गया भाई लगातार कि भाई ये ऑलराउंडर है बॉलिंग करेगा, ऑलराउंडर है बॉलिंग करेगा, जिस दिन नहीं लिया ना बॉलिंग की ही भाई 1 विकेट ले गया 2 ओवर में, ठीक है। वही अगर बात करें शोरफुल इस्लाम की तो 2 विकेट लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रिडिक्शन रही थी जिसकी वजह से हमने अल्ट्रा क्लीनशिप कर दिया था, मैंने क्लियरली बोला था कि मृत्युंजय चौधरी को आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कर लेना, डेथ में गेंदबाजी करेगा, डेथ में आया, 2 ओवर डाले, 4 विकेट ले गया, जैकपॉट परफॉर्मेंस हमें करवा गया, अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप हमारे लिए मैच बना गया। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं इनकी बैटिंग की। तो ओपनिंग कर रहे हैं भाई विल जैक्स और आफिफ हुसैन। आफिफ हुसैन की बताऊं तो भाई बेहतरीन प्लेयर है आफिफ और शमीम, दोनों आपके लिए बेहतरीन मतलब मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ऊपर से विल जैक्स, यानी कि इनके टॉप 3 आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। चैडविक वाल्टन भाई ओपनिंग नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे, तो अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो इजिली, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना। नौरफुल इस्लाम को आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बैनी ऑल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। मेहंदी हसन की बात करें तो 26 रन बनाए 13 बॉल पर, ठीक है। वही अगर बात करें मृत्युंजय चौधरी तो 9 बॉल पर 9 रन उन्होंने बनाए, शोरफुल इस्लाम ने 3 बॉल पर 10 रन बनाए, नसूम अहमद भाई 1 रन बना पाए, ठीक है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं कोमिला विक्टोरियंस की। जो भाई लास्ट मैच जो खेला है वो भाई अपना पहला मैच हार के आ रहे हैं, ठीक है, पहला ही मैच इन्होंने ये वाला मैच आ रहा है, टोटल 4 मैच खेले 3 विन किए, ठीक है। कोमिला विक्टोरियंस की बात करें तो भाई इनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, यहाँ पर आप देख सकते हो लिटन दास 0 पर आउट हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो महमूदुल हसन जो है यहाँ पर 46 रन की अच्छी पारी खेली। डू प्लेसिस का भाई कुछ तो लग साथ नहीं दे रहा, कुछ भाई फॉर्म भी खराब चल रही है, सिर्फ
रन बनाए। इमरुल कायस ने यहाँ पर भाई 28 रन बनाए। कैमरन डेलपोर्ट अगेन रन आउट, 3 रन बनाए। करीम जनेत ने भाई यहाँ पर भाई कितने रन, 11 बॉल पर 17 रन बनाए। इसके बाद भाई अनिमुल हक की बात करें तो 12 रन बनाए। इसके अलावा नीचे से भाई किसी ने कुछ खास किया नहीं। अब चलिए बात कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की। तो बॉलिंग में भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तनवीर इस्लाम ने। डेथ ओवर्स में आके 4 ओवर में भाई 2 विकेट लेके गया। करीम जनत ने 4 ओवर में 1 विकेट लिया। सोहिदुल इस्लाम ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 ओवर में, मतलब 4 ओवर मान ही सकते हो आप, 1 विकेट लिया। मुस्ताफिजूर ने 4 ओवर में 1 विकेट लिया। नाहिदुल इस्लाम भाई यहाँ पर विकेट लेस गया था। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं एक डेमो टीम जो मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे मिल जाएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम चैनल, आज के दिन में 20,000 रुपये का गिव अवे, ठीक है। यहाँ पर लेटन दास हमारी टीम में 101% रहेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो केदार लेविस खेल ले तो जीएल में, नहीं जीएल में ट्राई कर लेना, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। विल जैक्स हमारी टीम में रहेगा। फाफ को भाई देखो ये क्लियरली रिस्की पिक रहेगा क्योंकि इनका ना लक साथ का है ना भाई फॉर्म साथ है, तो देखते क्या होता क्या नहीं होता। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कैमरन डेलपोर्ट मिडिल ऑर्डर में खेल रहा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर भाई मतलब महमूदुल हसन जो है ओपनिंग करेगा तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, या वन डाउन आएगा तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई बात करें नीचे से तो इमरुल कायस को मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, और ना ही भाई यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ समीर शब्बीर रहमान को, ठीक है। अब आप फाफ और इसमें से कैमरन डेलपोर्ट में से किसी के साथ जा सकते हो। मैं भाई बैटिंग के हिसाब से यहाँ पर फाफ के साथ जाऊँ क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर है। अब चलिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। ऐसे भाई करीम जनत और यहाँ से भाई बैनी और मेहंदी हसन मिराज, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। अब यहाँ से आपके लिए मैं बताता हूँ आफिफ हुसैन आपके लिए एक बेहतरीन पिक हो सकता है इस मैच में, अगर भाई अब बॉलिंग करवाता है तो, ठीक है। बॉलिंग नहीं करवाएगा भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप अगर चाहो तो इसको ड्रॉप करके किसी और को भी ट्राई कर सकते हो, बट भाई मैं थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर इसके ऊपर ले रहा हूँ। नाहिदुल इस्लाम भाई बेहतरीन प्लेयर है, मेरे हिसाब से आपकी टीम में होना चाहिए। अगर आप लेना चाहो तो आप इसे ले सकते हो आफिफ हुसैन की जगह पर, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन पिक आपके लिए रहने वाला है, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो आफिफ हुसैन का ऊपर थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 100% बॉलिंग करेगा तो आप ट्राई कर लेना, बट भाई कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अभी तक कितने मैच खेले भाई इन्होंने, 7 मैच खेले, 7 मैच में से 1 मैच में बॉलिंग करवाई है, ठीक है। तो कुछ भी गारंटी के साथ मैं बोल नहीं सकता। बात करेंगे अगर बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर भाई नसूम अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला। मुस्तफिजुर रहमान अगर पहली इनिंग में बॉलिंग आते तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, सेकंड इनिंग में आती तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। इसके अलावा शोरफुल इस्लाम आपकी टीम में रहने वाला है, ठीक है। तो ये भाई आपको क्या करना है, अगर देखो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आते हैं तो भाई आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में बॉलिंग आते हैं तो भाई आप यहाँ से ड्रॉप करके और सोहिदुल इस्लाम के साथ जा सकते हो, ठीक है। मृत्युंजय चौधरी ने लास्ट मैच में 2 ओवर में 4 विकेट निकाले थे, आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं अभी मुस्ताफिजीर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। सीवीसी की बात करें तो कैप्टन विल जैक्स रहेगा भाई, देखो ओपनिंग भी करेगा साथ ही साथ भाई लास्ट मैच में पूरे 4 ओवर डाले तो हो सकता है इस मैच में भी कम से कम 2 या 3 ओवर डाले और एक आधी विकेट निकाल ले जाए, तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मेहंदी हसन मिराज हमारा वीसी रहेगा, बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर करीम जनत और बैनी ओलू में से भी किसी एक को वीसी ट्राई कर सकते हो, दोनों आपके लिए बेहतरीन पिक रहने वाले हैं। टीम एक बार मैं सेव कर देता हूँ, फिर प्रीव्यू दिखाता हूँ और उसके बाद कुछ जीएल की स्पेशल पिक्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो टीम एक बार सेव हो, मतलब सेव हो जाए, यार थोड़ा सा वाईफाई में इश्यू चल रहा है। तो यहाँ से भाई आप टीम देख सकते हो। आप देखो सीवीसी आपको मैं बताऊँ, यहाँ से भाई आप ट्राई करो फाफ को जीएल में, नहीं जीएल में, लेटन दास को जीएल में, नहीं जीएल में, ठीक है। बेहतरीन प्लेयर है लेटन दास, विकेट कीपिंग से बैकअप देगा साथ ही साथ भाई बैटिंग भी करेगा फाफ भाई, दोनों बेहतरीन प्लेयर है, टेक्निकल साउंडेड है, कोई भी अगर एक टिक गया तो आपको ईजिली क्रैक करवा देगा जीएल में, जीएल। यहाँ से भाई नाहिदुल इस्लाम और नीचे से भाई अगर बात करें तो नसूम अहमद और फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आते तो मुस्ताफिजुर रहमान, ये आपके लिए जीएल में, नहीं जीएल में बहुत ही बेहतरीन पिक हो सकते हैं। स्मॉल लीग में इन दोनों के अलावा अगर बात करें तो यहाँ से आपके करीम जनत और बैनी ओल दोनों भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, दोनों मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे प्लस 4-4 ओवर का पूरा अपना कोटा डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट पिक रहने वाले हैं। आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, इजीली जीएल मिनी जीएल में काफी अच्छी विनिंग आप यहां से करके जा सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी देखो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। डेली भाई 10,000 विन करने का मौका आपको कोई भी नहीं देगा, आपका भाई दे रहा है आपको। मैं किसी ना किसी एक एप्लीकेशन पर डेली 10,000 रुपए का गिव अवे जरूर से जरूर मतलब प्रोवाइड करवा कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट ये मान लो कि 30 दिन होते महीने में, तो 30 दिन में से आप ऑलमोस्ट मान लो कि 25 दिन आपको गिव अवे मिल जाएंगे किसी ना किसी एप्लीकेशन पर, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भाई देखो आप अगर आपको अगर कुछ भी विन करने का मौका मिले ना भाई बिल्कुल मत छोड़ा करो, मैं तो खुद नहीं छोड़ता, तो आपको तो मैं क्यों ही सलाह दूंगा कि आप फ्री में कुछ भी विन करने का मौका छोड़ो। तो जाइए भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।